हाय गैस, AU यानी कि अटल यूनिवर्सिटी सरगुजा और रायगढ़ यूनिवर्सिटी को मिलाकर एक ट्राई यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव यहां पे बताया गया है। ऐसा अगर होता है तो विश्व में छत्तीसगढ़ बन जाएगा विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन हब। ये जो आपका प्रस्ताव है अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी जी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रदेश में लागू होने और सरकार की अनुमति पर होगा इस पर काम, ठीक है, ये यहाँ पे बताया भी गया है। विश्व में बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ाई के लिए विद्यार्थी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, भारत देश में भी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन तीन यूनिवर्सिटी को मिलाकर एक ट्राई यूनिवर्सिटी अब तक दुनिया में नहीं बनी है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने क्या किया है, प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने और सरकार की अनुमति और सहयोग के बाद एक ट्राई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा। अब इन तीनों यूनिवर्सिटी को अगर मिला करके कंबाइन करके अगर ट्राई यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जो बच्चा यहाँ पे अगर सरगुजा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर वो किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के वो काफ़ी उत्साहित है, उनका काफ़ी इच्छा है, अगर वो सब्जेक्ट आपका सरगुजा यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी या रायगढ़ यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ वो जा कर के पढ़ सकता है, वहाँ वो जाके एडमिशन ले सकता है, लेकिन सरगुजा यूनिवर्सिटी से उनका नाम नहीं कटेगा, सरगुजा यूनिवर्सिटी से उनको अंक सूची, उनकी मार्कशीट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति एक जगह रह करके तीनों यूनिवर्सिटी की बेनिफिशियल यहाँ पे ले सकता है, वहाँ के एजुकेशन ले सकता है। ये बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है ट्राई यूनिवर्सिटी का, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।